नहीं रखते, अगर सैयद का ख्याल नहीं रखेंगे तो सुंबल का ख्याल कैसे रखेंगे? खेलें। शाबाश। किसने ख्याल रखते हैं मेरा? क्या रिश्ता है मुझसे तुम्हारा? किस नाते से सब कुछ कर रही हो तुम? बड़े आदमी हैं, बाइज्जत, अच्छे मकाम वाले, और मैं, मेरा भला क्या रिश्ता हो सकता है आपसे? समझो काम फकत धोखा है बच्चे। तुम इंसानियत के मेराज पे हो दुर्यादन, बच्चे के लिए दुआ कर दो तुम। रो रहे हैं? रोए तो नहीं, मैं दुआ करती हूँ और मैं दुआ करती रहूंगी उसके लिए। कल आप सुबल को समझाएं, उसे कहें कि सब्र और तहमुल से काम ले और खुद के लिए दुआ करे, खुद को संभाले। मेरा यकीन है कि अल्लाह जी दुआओं को सुनते हैं, कबूल भी करते हैं। आप देखिएगा सुबह बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बहुत जल्द। आप बिल्कुल परेशान ना चलें, अब आप जल्दी से ये खाएं। माल, माल क्या हो गया बेटा? तबरेज ये बेबी क्यों रो रही है? अच्छा क्या पता सुंबल, माल क्या हुआ बेटा? अल्लाह, नीना को बुलाओ, वो उसे संभालती है। नीना से नहीं चुप हो रही थी सुंबल, इसलिए यहाँ पे लेटी हुई है। जल्द से जल्द इसके लिए कोई अच्छी सी नैनी का इंतजाम करना पड़ेगा। माल क्या हुआ बेटा? कम ऑन बाबा। कहाँ लेके जा रहे हो उसे तबरेज? दुर्योधन के पास। What? तुम उसे वहां नहीं लेके जा सकते मेरी इजाजत के बगैर। ये मेरी बेटी है तबरेज, और मेरी इजाजत के बगैर तुम इसे कहीं नहीं लेके जा सकते, समझे? ये मेरी भी बेटी है सुंबुल, तुम्हारी जिद की वजह से मैं रोता हुआ नहीं दिख सकता। तबरेज मैं, अब बस कर दो यार। तुम्हारी गोद में आते इतनी खामोशी में सुकून से सो गई। और एक सुंबल है, अपनी सगी बेटी तक से उलझ रही थी। सुंबल हमेशा से ऐसे रहे, जात की कहती खुद गर्स सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली।